ये वो देश है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है। दहेज प्रथा को कुप्रथा बताया जाता है। ये कहा जाता है कि दहेज तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन भाई साहब, ये बिहार है, यहाँ पर लड़कों के लिए बकायदा बोली लगाई जाती है, फिट बैठ गए तो ठीक वरना बेटी को जिंदा जला दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आए दिन बिहार के हर जिले से ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जब अखबारों के फ्रंट पेज पर लड़कियों के खून से सना हुआ होता है। लेकिन मजाल है कि कोई बोल दे कि इस राज्य में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। बाराचट्टी से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दहेज के लिए लालची परिवार ने अपनी बहू को जला दिया। नाम शत्रुघ्न सिंह, घर पे हूँ। जो घर क्या घटना घटा? घटना है कि बच्ची हमको गोड़ हाथ इन्होंने बांध के माचिस मार दी है, मट्टी के तेल छिड़क के। सास मारी से। और बाकी है कि पहले ही से झमेला चलता था, समझे सर? तो वही माई से होकर बेटा से कि तोर बाप तिलक ने दिल को है, तू गरीब हो, वो कर तो कहाँ कर लेता, कहाँ के धर लेता, हम समझ लेते। घरों कहाँ बताए आप? हमारा जो घर बच्ची का घर कहाँ था? भरे नीमा। एक बच्चा भी है? ससुराल नीमा। एक बच्चा भी है? हाँ, बच्चा कभी सर दिखाए अपना गोंग, एक ही लड़का था, गोंग था, उसको हम जमीन बेच के हम इसको दिखाएं तो बच्चा हुआ 12-13 महीना के बच्चा है, उसको भी मतलब जला दिया, ओगरो भी जला दिया। हाँ, कहता है कि का कर ले तो तोर बापा के हो सकती। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हैं कि मतलब वही जलाया है? हाँ जी, पहला हूँ से चलता था ना क्रिकेट से। नया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नया करना चाहते हैं, हमारा केस करना है। किस बात? लड़का के बाप पर, माई पर, भाई पर, लड़का पर। लड़का पर भी? लड़का कहाँ है? लड़का सूरत में है, लड़का का भाई भी सूरत में है। तो उसको जानकारी दिए हैं आप? दिमाग जो लगते हैं उनको? नहीं, वहाँ पर देखा, फोन नहीं कोई किया जानकारी आपको? कोई नहीं, आदमी भेजे, आदमी हुआ नहीं है ऑफिस में। जानकारी कब मिला आपको? हमारा मिला 4 बजे। आज 4 बजे भोर में जी, बड़ लड़का को उसको ससुर जी होते हैं से दिया है। ये देश वो है जहाँ नारा लगाया जाता है कि पाप से करो परहेज और शादी में मत मांगो दहेज, लेकिन ये नारे धरे के धरे रह जाते हैं। मोटी चमड़ी वाले दिमाग में ये घुसता ही नहीं है कि इस तरह के नारे इस देश के लिए अच्छी है। दरअसल बाराचट्टी में एक सास ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया, और सिर्फ बहू को ही नहीं अपने छोटे से पोते को भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद लड़की के परिवार वाले गुस्से में हैं। लड़की का पिता मीडिया के सामने आके ये कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए। पहले से ही सास बहू को प्रताड़ित कर रही थी, आए दिन दहेज की मांग कर रही थी, और जब मांग पूरी नहीं की गई तो उसको जिंदा जला दिया गया। वो औरत मर चुकी है, और अब इस नारे का क्या करेंगे आप? अफसोस तब होता है जब हम 21वीं सदी में बैठकर ये बात करते हैं कि महिला को दहेज के लिए मार दिया गया या उसके साथ रेप होने के बाद उसको न्याय देने में 7 साल लग गया, जबकि ये वही समाज है जहाँ पर बैठ के हम ये बात करते हैं कि इक्वालिटी हो, लड़के और लड़कियों को सम्मान का दर्जा मिले। तो फिर क्यों हम आए दिन इस बात पर चर्चा करते हैं कि लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया गया? ये विडंबना ना जाने कब खत्म होगी। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।